वेलकम टू माय चैनल गाइस। देखिए मैं आज आप लोगों को एफडी के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ ये बैंक्स भी हैं जो कंपैरिजन एफडी के रेट में देखने को मिलते हैं, बट इनसे रिलेटेड भी और भी बैंक हैं। कहते हैं शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच अगर आप अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं ना, तो फिक्स डिपॉजिट जो है एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड भी है, ऐसा नहीं, काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। कह सकिए एफडी में निवेश करने के बाद आपको एक निश्चित अवधि के बाद ही गारंटेड इनकम मिलता है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में भी कई बैंक अपने ग्राहकों को एफडी पर 9% का ब्याज मतलब दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट कह सकते हो। कई ऐसे टॉप 10 बैंकों के बारे में जो एक निश्चित टाइम पीरियड पर अपने ग्राहकों को सबसे अधिक ब्याज देते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस बताना चाहूँगी वो है हमारा बंधन बैंक। ठीक है, जो बंधन बैंक है ना वो 600 दिन के लिए 1% तक का देता है, बट सीनियर सिटीजन को वही 8.50% का ब्याज देता है। गाइस अब आता है हमारा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो गाइस ये भी अपने जनरल कस्टमर्स को 36 मंथ की एफडी पर गाइस 8% का रिटर्न देता है, वहीं अपनी मतलब इंटरेस्ट देता है सॉरी एंड वहीं अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50% का इंटरेस्ट देता है। गाइस अब आता है हमारा SVM बैंक। ठीक है, SVM बैंक है जो कि अपने जनरल कस्टमर्स को 3 साल और 2 दिन 2 डेज से अधिक और 5 साल से कम की एफडी पर 8.25% का इंटरेस्ट देता है, जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को वो 8.75% का ब्याज दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट दे रहा है। गाइस अब नेक्स्ट आता है हमारा आरबीएल बैंक अपने जनरल कस्टमर्स को 24 मंथ से लेकर 36 मंथ से कम की एफडी पर 7.50%, जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8% का ब्याज दे रहा है। गाइस आरबीएल बैंक की जैसे हमने बात करी वहीं आता है हमारा आईडीएफसी बैंक। ठीक है, आईडीएफसी बैंक की अगर हम बात करूँ तो गाइस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो गाइस उसका अपने जनरल कस्टमर्स ग्राहकों को 1 साल और 1 दिन से लेकर 550 दिन की एफडी पर 7.50% का, जबकि अपने सीनियर सिटीजन्स को 8% का ब्याज दे रहा है। गाइस वहीं अगर हम बात करें डॉयचे बैंक की, मतलब जिसको हम डच बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डच बैंक अपनी जनरल कस्टमर्स को 2 साल से अधिक और 3 साल से कम के एफडी पर 7.75% का इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को वो सेम 7.75% का ही रिटर्न दे रहा है, इंटरेस्ट सॉरी दे रहा है। गाइस अब हमारा आ जाता है हमारा इंदुसिंध बैंक। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इंदुसिंध बैंक करके नाम से है, वो भी अपने जनरल कस्टमर्स को 2 ईयर्स और 9 मंथ की अगर हम बात करें गाइस उसी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 ईयर्स 9 मंथ से लेकर 3 साल से 3 महीने के अंदर वो दे रहा है 7.50% का इंटरेस्ट, और जबकि अपने सीनियर सिटीजन्स को दे रहा है 8% का। गाइस वहीं अब आता है हमारे येस बैंक। ठीक है, येस बैंक भी अपने जनरल कस्टमर्स को 18 महीने से लेकर 36 महीने तक वो 7.5 से भी ऊपर 7.75 येस बैंक जो है 7.75% का, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 8.25% का दे रहा है। गाइस अब आता है हमारा एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो गाइस एच डी एफ सी बैंक भी अपने जनरल कस्टमर्स को 732 दिन से लेकर 36 महीने के कम के एफडी पर वो दे रहा है 7.50% का, जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को दे रहा है 8% का इंटरेस्ट। ठीक है, अब आता है इस करूर व्यास बैंक भी कस्टमर्स को 444 दिन की एफडी पर 7.50%, जबकि सीनियर सिटीजन को 8% का ब्याज दे रहा है। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगी कि ये जो कुछ बैंक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते और उनको म्यूचुअल फंड का भी बारे में पता नहीं होता है, तो गाइस उनके लिए एफडी बेस्ट रहती है। तो एफडी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस बैंक कौन कौन सा बैंक है जो आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो गाइस मैं आपको इतना बोलूँगी जो मैंने बताया वो तो ठीक है, आप खुद से फिर भी स्टडी करके बैंक का चेक करके कितना परसेंट रिटर्न दे तो ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करिए एफडी के लिए। बाकी गाइस को रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंसर्स से वीडियो चैनल पर नए हैं तो लाइक इस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।